नमस्कार, सरोज बनवाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना गुड़ बर्फी। अब चना गुड़ के फायदे के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग दादी नानी के जमाने से सुनते आ रहे हैं कि चना गुड़ खाने से हमारे याददाश्त तेज होती है, हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। लेकिन आजकल के बच्चों को गुड़ चना खाने के लिए बोल दीजिए तो वो नाकमुसी कोड़ने लगते हैं। तो ये बर्फी सबसे अच्छा ऑप्शन है बड़े बच्चे सभी को गुड़ चना खिलाने की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम रोस्टेड चना लिया है। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल लिया है। अब इसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। इस तरह से हाथों से रब करते हुए इस तरह से हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके सारे छिलके निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ले रही हूँ मैं 60 ग्राम मखाना। इसे हमें रोस्ट करना है तो हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो देखिए ये रोस्ट हो चुका है। आप एक उठा कर देखें इस तरह हमसे, तो देखिए ये रोस्ट हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अब मैंने लिया यहाँ पर एक जार, इसमें हम इस भुने हुए चने को डाल देंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो देखिए मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा दरदरा रहेगा ना तो ही इसका जो बर्फी का टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं। और अब क्या करेंगे कि इसी जार में हमने जो मखाने भुने थे उसे भी हम पीस लेंगे। तो देखिए मैंने मखाने को भी पीस लिया है। ये देखिए तो चलिए अब हम इसे भी एक बोल में निकाल लेते हैं। मैंने जिस बोल में चना निकाला था ना, चना का पाउडर, उसी में हम इसको भी निकाल देते हैं। अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर 60 ग्राम आलमंड्स लिए हैं, बादाम, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे भी पीस लिया है। ये देखिए तो इसे अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं 300 ग्राम गुड़ डाल दूंगी और इसमें डाल दूंगी मैं 3/4 कप पानी और इसे हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। हमें इसकी तार नहीं बनानी है, कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस सिर्फ गुड़ मेल्ट होने तक हम इसे पकाना था। अब मैंने यहाँ पर एक पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 2-3 टेबल स्पून घी और इस ग्राइंड किए हुए आलमंड को, जो आलमंड मैंने पीसा था उसे हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमने आलमंड को भुना नहीं था। किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से भून कर बनाओ ना तो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसे भूनना ज़रूरी होता है। तो हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा। तो देखिए मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 3/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दूंगी और इसे भी इसके साथ भून लूंगी। तो देखिए ये भी, इसे भी मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब क्या करेंगे, हमने जो मखाने और चना का जो पाउडर बना के रखा था उसे भी इसमें डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे। तो देखिए ये भून चुका है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने जो गुड़ सिरप बना करके रखा था वो हम इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। इस तरह से छानते हुए डालेंगे ताकि जो गंदगी है वो निकल जाएगा और फ्लेम को अब बिल्कुल भी लो पर कर देना। अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे। हमें इसे
तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ना ये ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब घी डालूंगी। आप देख सकते हैं ये देखिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून। तो देखिए ये डो के फॉर्म में आ गया है। आप देख सकते हैं पैन पूरी तरह से छोड़ चुका है, ये देखिए, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रे लिया है, ये देखिए इस तरह से, इसे हम थोड़ा घी से ग्रीस कर देंगे। चलिए ये तो ग्रीस हो चुका है, तो हम गैस की फ्लेम को भी ऑफ कर देते हैं। देखिए अब मैंने ये ट्रे लिया है, इसमें हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और एक स्पैचुला से इसे हम अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। और स्पैचुला से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए, ताकि जब हम इसे कट करेंगे ना तो ये इससे निकले नहीं। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होकर सेट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे काट करके दिखाऊंगी। तो देखिए ये ठंडा होकर के बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चलिए अब हम इसे आपको काट करके दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे तरह से ये निकल आ रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। चलिए आपको एक पीस निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा दानेदार टेक्सचर आया है इसका, आप देख सकते हैं। इस ठंड के मौसम में आप चुस्त तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और दिन भर एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इसके एक पीस खा करके एक गिलास दूध मॉर्निंग में पी लीजिए, तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।